हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम बैक न्यू वीडियो लक्ष्मी ब्लॉगर। दोस्तों कैसे हैं आप? दोस्तों आज मेरा सुबह का सारा काम हो गया है और यहाँ पे देहरादून में काफी बारिश भी हो रही है, तो मैंने क्या क्या किया थोड़ा बहुत जो भी है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल पे न्यू आए हो तो सब्सक्राइब करना, बेल घंटी प्रेस करना और क्लिक करना ताकि मेरी हर वीडियो आप लोगों के पास पहुंच जाए। तो दोस्तों ठंड के मारे मतलब कि बिस्तर से बाहर निकलने का मन भी नहीं कर रहा, लेकिन क्या करें, कुछ काम करने पड़ते हैं और कुछ काम जरूरी हो जाते हैं जिनको हमको करना ही पड़ता है। और हमारी डेली की दिनचर्या है कि जो काम हमें जरूरी करना पड़ता है। तो मैं आप लोगों के साथ क्या क्या शेयर कर रही हूँ तो आप मेरी वीडियो देख लीजिए। तो चलो चलते हैं और मैं दिखाती हूँ क्या क्या किया मैंने आज। तो दोस्तों देहरादून में आ रही है बहुत ज़्यादा बारिश आ रही है और यहाँ पे ये मतलब कि हस्बैंड ऑफिस जा रहे थे और मैंने मतलब पहले वो बैठ गए स्कूटी में, फिर उसके बाद बैग मांगा अपना। तो दोस्तों जैसे काफ़ी लोग बोलते हैं ना कि सरकारी ऑफिसर को कोई काम मतलब होता है, लेकिन सरकारी जो होते हैं ऑफिसर होते हैं उनको बहुत ज़्यादा काम होता है। और यहाँ पे जा रहे हैं ऑफिस तो इतनी बारिश में भी जा ही रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने सिलेंडर वाला आया था और सिलेंडर को मैं क्या करती हूँ ना कि जैसे मतलब पहले भारी रख देती हूँ और उसके बाद उसको धो देती हूँ, बिना धोए हुए नहीं लाती हूँ मैं अंदर। और वो तो मैं ये मतलब मैं पहले से ही करती थी, लेकिन अब तो आप लोगों को पता है कि बीमारी की वजह से काफ़ी डर मतलब डर डर के ही रहना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने ये धो दिया था और यह है सुबह का नाश्ते के बाद का ये हाल होते हैं किचन के। चाय का फ्राई पान, दूध का और सब्जी वगैरह सारा फैल जाता है, तो इसको मैं अब समेट रही हूँ और यहाँ पे अभी मैं इनको सबको लगा दूँगी और साफ कर दूँगी। तो किचन मेरा साफ हो रहा है यहाँ पे और ये है ना कि मतलब अपना काम खुद से करो तो अच्छा लगता है और मतलब सफाई रहती है, और दूसरे से कराओ तो थोड़ा सा उतना साफ नहीं होता है। तो अपना काम जब चाहो जितना चाहो अपने हाथों से कर लो। और कुछ काम ऐसे होते हैं ना कि ये डेली के करने ही पड़ते हैं, जैसे हम किचन में खाना बनाते हैं तो उसकी सफाई हम रखेंगे तो हमारे स्वास्थ्य के लिए ही सही है। तो यहाँ पे मैं सफाई कर रही थी और ठंड भी हो रही है तो मैंने स्कार्फ भी बांध दिया था क्योंकि मुझे बहुत ठंड लगती है। और कहते हैं ना कि मतलब ठंडियों में ठंड नहीं लगनी चाहिए, नहीं तो मतलब तबीयत ख़राब हो जाती है। और यहाँ पे इतने सारे बर्तन भी धोए थे, ये बर्तन हैं नाश्ते के सारे बर्तन हैं, यहाँ पे गिलास हो जाते हैं, काफ़ी चीज़ हो जाती है
जैसे मतलब घर में, और सामान मंगवाया था मार्केट से, थोड़ा बहुत ही मंगवाया है जितनी ज़रूरत थी घर में, बाकी चीज़ है तो ये यहाँ पे लाए थे और कल लाए थे, तो मैं आज इसको रखूँगी, आज बृहस्पतिवार को रखूँगी। तो ये यहाँ पे मेरा सामान है और इसको अब मैं लगाने वाली थी, तो मैंने कहा मैं थोड़ा सा वीडियो बना लेती हूँ, शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ कि सामान भी मंगवाया था मैंने मार्केट से। तो आप लोगों को कैसी लगी वीडियो ज़रूर कमेंट करना। तो दोस्तों आज की वीडियो मेरी इतनी ही थी, फिर मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पर न्यू आए हो तो सब्सक्राइब करना, बेल घंटी प्रेस करना ताकि मेरी हर वीडियो आपके पास पहुंच जाए। बाय।